राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष एस आर सारंग जी और हरिराम दाइमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए वहाँ पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के, बाबा साहब के, महात्मा गांधी जी के, सभी के फ़ोटो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के डिस्प्ले पर लगे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ एक प्रोग्राम ध्वजारोपण किया गया, उसके बारे में सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे मंच पे आके। आपका तो स्वागत है। अभी कैसे फील कर रहे हैं आप जो चुने गए हैं राष्ट्रीय बहुजन? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और 13 साल से मैं पार्टी में हमेशा लगा रहा। आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने वो पार्टी गलत पकड़ी। अगर 13 साल में इन पार्टी में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में अगर रहता तो शायद आज मैं विधायक और अपने यहाँ पर पार्षद बना के रखता। वो काफ़ी जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। समाधान तो मैं करता ही करता हूँ, तो दिक्कत लोगों को कि आने वाले टाइम पे यहाँ विधायक मंत्री हम ही होते। तो सर देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल काम आएगी। आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, अभी भी मौका है, विधानसभा चुनाव करीब है, आगामी विधानसभा चुनाव, तो आप पार्टी से उम्मीदवारी भी आप लेकर आ सकते हैं कि भाई मैं प्रत्याशी के तौर पर, ऐसा कुछ है? प्रत्याशी तौर पर हमारे जो है डॉक्टर शरण सिंह ने कहा कि हम आपको लड़ा के दिखाएंगे इस विधानसभा के अंदर। हमें एक अच्छा आदमी चाहिए, अच्छा वक्ता चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए, ईमानदार चाहिए। हमने सबको देखा, इनकी पार्टी में भी लोग आए, इनसे छलावा करके चले गए हैं, मगर इनको कभी इन्होंने चाहा नहीं कि ऐसे आदमी को हम रखें। इन्होंने तुरंत निकाल दिया और अब भी ये दम रखते हैं कि ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो पार्टी में काम ना करें और पार्टी से गद्दारी करें, वो ऐसा आदमी नहीं चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो बाप समान जो पार्टी को देखता है, इसमें अच्छा आदमी होना चाहिए या गलत कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाए, तो वो पार्टी हमेशा चलेगी, ये मेरा कहना है। अब मैं हरिराम दाइमा बधू विधानसभा से आया हूँ, इनके चरणों में अपना नमन करता हूँ और मैं इस विश्वास दिलाता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इस बधू विधानसभा के अंदर अगर मैं सीट निकाल सका, पब्लिक ने चाहा मेरे को, ईमानदार आदमी को, तो मैं कहता हूँ आने वाले टाइम पर विकास दिखाई देगा। कोई और बात नहीं दिखा देगी, विकास और हरिराम दाइमा ये चीज़ दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। सर आप एक पुराने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, समस्याओं से जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ऐसे ही गरीबों की, बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की समस्याओं को उठाती आई है, तो उसके बारे में आप राष्ट्रीय लेवल से आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे बाकी सभी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितनी हमारी बहन बेटियाँ हैं, आज व्यवस्था ये है कि जो बुजुर्ग आदमी है उनको पेंशन नहीं मिल रही, उन पेंशन से उनका गुजारा हो जाता है। बच्चे जो है आजकल डेढ़ माँ बाप को 2 रुपये देने में शर्म आती है, माँ बाप मांगते नहीं 2 रुपये, वो पेंशन के जरिए से अपना खर्चा निकाल लेते हैं। आज ऐसी सरकार है जो पेंशन नहीं दे रही है। समस्याएं बहुत हैं, स्कूल की समस्या देख लो आप रोड की समस्या देख लो, आप नाली की समस्या देख लो, आप कहीं अगर जाते हैं तो घूस मांगते हैं, गरीब का काम होता ही नहीं है। अमीर तो अपना काम करता है किसी का पैसा है, गरीब का कोई ना कोई विधायक है ना पार्षद है, बस ये है पैसा चाहिए। गरीब का गला घोटा जा रहा है, गरीब हर चीज़ के मारा जा रहा है और गरीब परेशान है। अब मैं हरिराम दाइमा बधू विधानसभा के अंदर अगर आप मेरे को लेके आओगे तो ये मैं समस्या ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल भी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एस आर सारण जी आपका बहुत बहुत स्वागत हंकार मीडिया का। बहुत बहुत आप हंकार साहब इस समय मौके पर आए, जिसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमें आपने इस लायक समझा जो आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया। मैंने लगभग यहाँ पर 22 साल से हमने दिल्ली के अंदर नहीं राष्ट्रीय लेवल को हमने काम किया और लगभग 9 राज्यों में चुनाव लड़ा दिया और आज की डेट में हमने अपनी पार्टी के बैनर समर्पण से हमने लोगों को लड़ा के लाए। ओम प्रकाश यादव, सदाशिव मंडले, तरुण मंडल, हसन खान हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने सांसद थे, हमने समर्पण से हमने उन्हें जिताया। लेकिन जिताने के बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सर पर हाथ रखें, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन पैसे के लालच में कुर्सी छोड़ के चले गए, हमें यहीं कहीं छोड़ दिया। तो मैंने ये सोचा आज के दिन में कि गरीबों के साथ, गरीबों के हित के कोई काम नहीं करता है। लोग चुन के तो जाते हैं तालियां बजा के, चुनाव के टाइम पे पैर पकड़ेंगे